जीवन रेखा। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा से, तो चलिए हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बीपी के बारे में, तो आप हमें बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? जैसा अभी हमने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का जो जो टारगेट ऑर्गन है, जैसे किडनी में इफेक्ट डालेगा तो किडनी पर जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा वो आ जाएगा, हार्ट के अंदर में, ब्रेन के अंदर में, तो जो रिलेटेड जिस टारगेट जिस ऑर्गन को ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जनरली हार्ट को करता है, तो हार्ट अपना साइज बढ़ाएगा, उसको एकोमोडेट करना होगा उस प्रेशर को, तो मतलब रिलेटेड जहाँ जहाँ वो इफेक्ट डालेगा जिस ऑर्गन पर, उस ऑर्गन को वो तबाही करेगा, उस ऑर्गन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसको सामने पेशेंट को मिलेगा। और सबसे खतरनाक होता है किडनी का, यदि अगर वो इफेक्ट कर दे तो किडनी फेल्योर की ओर चला जाएगा, तो ये सब खतरा इससे बना हुआ है। तो ये तो बात हम कर रहे थे ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर हम बात करें मधुमेह के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, तो अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मधुमेह डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं, तो मधुमेह क्या है ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। मधुमेह या डायबिटीज़ ये कोई बीमारी नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, मतलब एक लेवल है जिस चीनी तो सबों को है, वो नॉर्मल हो, क्योंकि इसका एक लेवल है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड लो ब्लड प्रेशर वो बीमारी है, लेकिन ब्लड प्रेशर इज अ लेवल, वो लेवल नहीं रहने से, तो उसी प्रकार से चीनी एक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके चलते या डायबिटीज़ या मधुमेह को हम लोग जानते हैं। अभी क्या है कि ये ज़्यादा फैल रहा है हमारे कंट्री में, लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन 3 करोड़ से भी ऊपर, क्योंकि पूरे कंट्री को तो स्कैनिंग, हेल्थ स्कैनिंग में खासकर डायबिटीज़ के लिए तो किया जाता नहीं है, तो अगर सही ढंग से स्कैनिंग किया जाएगा तो यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा आएगा। परंतु अगर इसको भी हम लोग मान के चलें कि हमारे देश की आबादी में 3 करोड़ 3.5 करोड़ को डायबिटीज़ है, तो यह भी कम नहीं है, दिस इज़ मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है। उसका एक हमारे ब्लड के अंदर में जो शुगर का लेवल है, तो फास्टिंग में अलग होगा, खाने के बाद अलग होगा, तो हम लोग जनरली 65 से 100 मिलीग्राम परसेंट जो ब्लड शुगर आता है उसको नॉर्मल मानते हैं, और 80 से 120 के बीच में जो ब्लड जो शुगर आता है उसे नॉर्मल मान। डॉक्टर साहब, अगर किसी को मधुमेह डिटेक्ट हो जाता है तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और उनका खान पान क्या होना चाहिए? किसी पेशेंट के डायबिटीज़ का या डायबिटिक का लेवल लग जाए तो सबसे पहले तो यह है मधुमेह, मतलब चीनी की बीमारी, तो चीनी तो पहले है कि आपको नहीं खाना है। नहीं खाने का मतलब है कि मिठाई नहीं खाएंगे, डायरेक्ट शुगर चीनी की मात्रा आप नहीं लेंगे खाने में, और रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जैसे आप रोटी खाइए, हरी सब्जी खा सकते हैं, दाल ले सकते हैं, और अपना दिनचर्या को एक्सरसाइज, ये जो आपका एक्टिविटीज़ है उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ की ओर कन्वर्ट करिए, जैसे सुबह उठिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करने से बॉडी के अंदर में जो ये शुगर का लेवल है वो कमेगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है, इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, या अगर कोई व्यायाम करता है और फिजिकल वर्क करता है तो उसके अंदर में यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि इंसुलिन जो बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास सिक्रीट करता है वो सिक्रीशन बढ़ाएगा। होता क्या है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा है वो 2-3 प्रकार से जब प्रॉब्लम होगी तो शुगर होगा। पहला है कि चीनी का इनटेक ज़्यादा है परंतु इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम है। दूसरा है कि इंसुलिन तो ठीक बन रहा है लेकिन टारगेट ऑर्गन पर नहीं पहुंच रहा है ड्यू टू सम डिसऑर्डर। तीसरा है कि डिफेक्टिव इंसुलिन पैदा हो रहा है, मतलब इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसकी मात्रा जो शेप साइज होना चाहिए वो ठीक नहीं है और कम हो रहा है सिक्रीशन। तो ये सबको मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज
बढ़ाता है, तो उससे क्या है कि इंसुलिन लेवल ठीक हो जाने से शुगर लेवल भी ठीक हो जाएगा। तो उसकी महत्व बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग वॉक का, फिजिकल एक्सरसाइज का, ये ज़रूर आप करिए। दूसरा है कि रेस्ट्रिक्शंस, अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है। डायबिटीज़ को डिसिप्लिन कहा जाता है कि एक आदमी को डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। डिसिप्लिन का माने है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, देन आपको चाय पीने की आदत है, बिना चीनी की चाय पीजिए, फिर नाश्ते में रोटी खा सकते हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर में 5 डाइट्स आर अलाउड, 5 डाइट आप सुबेरे से शाम तक में अपने को डिसिप्लिन बना के रखिए, इसी 5 डाइट पर। कभी आपको चावल खाने की इच्छा है तो इसमें कोई मना नहीं है, आप थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, चना का दाल खा सकते हैं, कोई तरह किसी प्रकार की दाल को आपकी इच्छा है खाने की आप खाइए, तो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। दूसरा है कि अपने को 5 डाइट पर ही आप बांध कर रखिए, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक डायबिटीज़ के मरीज को। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ ना हो तो इसके लिए क्या उपाय है? ये बिल्कुल गलत है जी। अगर ऐसा होता तो आज जो जितना बच्चा जन्म लेता है और जितना बच्चा का जो जन्मदिन मनाया जाता है 10 साल 12 साल 20 साल तो सबको डायबिटीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर में एक ऐसा सिस्टम है जो चीनी को रेगुलेट करके रखता है, जब होना है वो दूसरी बात है, लेकिन हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है शुगर के लिए वो सक्षम है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी मैंने जैसा बताया कि अगर डायबिटीज़ ना हो जी। तो इसके लिए बेहतर है कि आदमी अपने को नियमित करे, नियमित व्यायाम करे और डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहे। जैसे आप खाने की इच्छा है कि हम रसगुल्ला खाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डिसिप्लिन्ड वे में, मतलब कि यू आर ए डायबिटिक, ये आपको मान के चलना होगा, क्योंकि वो लेवल हमने नहीं, आपने नहीं, वो किसी भी पैथोलॉजिस्ट ने लगा दिया है कि उसको डायबिटिक है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को आप डिसिप्लिन बनकर रहिए, खाना को नियमित रखिए, नियंत्रित रखिए, इट शुड बी रेगुलर एंड कंट्रोल्ड, और 5 डाइट जो मैंने बोला, एक 24 घंटे में आपने को 5 डाइट पर संयमित रखिए। डॉक्टर साहब आपसे हमारा कन्वर्सेशन जारी रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।